एक एडवेंचर एक्टिविटी भी हो जाएगी और अच्छा फूड भी मिल जाएगा, वो भी एक जगह पे। इससे अच्छा क्या बात है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियर डायरी। सो आज मैं जब सुबह उठा तो मुझे कुछ अच्छा फूड खाने का मन हुआ और विद एडवेंचर एक्टिविटी, तो आज मैं आया हूँ कार्ट 2 कैफ़े। और अगर आप भी कुछ एडवेंचर करना चाहते हो और उसके साथ लेना चाहते हो कुछ अच्छा फूड, तो ये रेस्टोरेंट आपके लिए है। इसमें अभी मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट आप देखो इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस, कितना अच्छा एम्बियंस है यार, कितना मतलब ग्रीन, और लाइटिंग भी बहुत अच्छी हो रखी है। अगर रात में आओगे तो लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे हम एडवेंचर एक्टिविटी करेंगे और प्लस एक अच्छा सा फूड खाएंगे और उस फूड का मैं रिव्यू करूँगा कि यार यहाँ का फूड कैसा है, और एडवेंचर एक्टिविटी के बारे में बताऊँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको मज़ा आने वाला है कि नहीं। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, बट हम जैसे छोटे यूट्यूबर की थोड़ी मदद हो जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो भाई करते हैं स्टार्ट अपने ब्लॉग को लेके प्रभु का नाम। तो भाई अभी मैंने करा लिया है बिल गो कार्टिंग का, और गो कार्टिंग करेंगे हम लोग। यह है बिल गो कार्टिंग का। सो गो कार्टिंग का जो प्राइस है यहाँ पे 400 रुपीज़ है, और अभी मैं जा रहा हूँ गो कार्टिंग करने। तो ये जो रेस्टोरेंट भी है और गो कार्टिंग भी कराता है, और इसका जो लोकेशन है वो बनरघट्टा जू जो है उससे आगे है, तो बनरघट्टा में है। तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं जाता हूँ और करता हूँ गो कार्टिंग, और उसके बाद मैं आपको दूंगा अपना एक्सपीरियंस, रिव्यू फूड का भी और गो कार्टिंग का भी। तो चलते हैं, करते हैं भाई अपनी गो कार्टिंग। और 400 रुपये में ये 6 लैप्स हैं, तो 6 लैप्स करने होंगे मुझे। तो ये 6 लैप्स कर देते हैं 400 रुपीज़ में। अभी ऑल सेट टू गो कार्टिंग। तो फाइनली मैंने अपने 6 के 6 लैप्स बिना किसी से टकराए, बिना किसी को डैमेज करे मैंने पूरे कर लिए। और सच में यार एक अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ा हार्ड स्टीयरिंग था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे हाथों में थोड़ा पेन हो रहा है, बट यार एक अलग एक्सपीरियंस था। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ये बनरघट्टा के पास है, और यहाँ पे बहुत अच्छा कैफ़े भी है जहाँ पे मैं अभी कुछ खाऊँगा। और एक परफेक्ट आउटिंग हो सकती है अगर आप बेंगलुर में हो और बेंगलुरु के आसपास रहते हो, BDM में रहते हो, जयनगर में रहते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहते हो या कहीं और रहते हो, तो यहाँ पे आ सकते हो और गो कार्टिंग कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा, पास में यहाँ पे बनरघट्टा नेशनल पार्क है, तो आप वहाँ पे जंगल सफारी और जू वगैरह में जा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है। अगर आप, मैं लोकेशन की बात करूँ ना, तो यार क्या लोकेशन है। देखो पीछे भी मतलब पूरा जंगल ही जंगल है, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और आप, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, एक बार तो आप गो कार्टिंग कर सकते हो यार, सच में मज़ा आ जाएगा। मुझे तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आया भाई। तो अभी हम कर रहे हैं वेट फूड का, और हमने फूड में ऑर्डर किया है कढ़ाई पनीर, गोभी मंचूरियन और बटर नान, और मैडम के लिए गेहूँ की रोटी। तो गेहूं की रोटी इसलिए बोला क्योंकि यार ये थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है, तो मैदा वगैरह जो रिफाइंड व्हीट होता है वो करती हैं, अवॉइड करती है। तो इनके लिए होल व्हीट रोटी और मेरे लिए बटर नान। तो अभी मैं दूंगा आपको फूड का रिव्यू कि यहाँ का फूड कैसा है, बट एम्बियंस वगैरह आपने देखा होगा, एम्बियंस वगैरह बहुत अच्छा है। और नाइट में अगर आप आते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है नाइट में भी। तो नाइट में एक बार आ चुका हूँ तो वहाँ का वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो अभी आ गया है हमारा गोभी मंचूरियन और अभी हम ट्राई करते हैं गोभी मंचूरियन और मैं बताता हूँ कि गोभी मंचूरियन कैसा है। यह है हमारा गोभी मंचूरियन पेपर फ्राई। आवाज़ जो थी वो काटिंग की है। तो अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट जो है एक नंबर है, बहुत ही यमी है सच में, और स्पाइसी भी बहुत है, वाह। और जो गोभी है ना वो बहुत ही जूसी है और फ्रेश लग रही है, सच में मज़ा आ गया भाई। और जो करी पत्ता लगा हुआ है, करी पत्ता, वाह। है वो हो चुके हैं रेडी और मैं बताता हूँ आपको कि कढ़ाई पनीर कैसा है। तो देखते हैं भाई कढ़ाई पनीर कैसा है। भाई अगर आप यहाँ पे आ रहे हो गोकार्टिंग करने तो फूड भी ज़रूर ट्राई करना। इस जो रेस्टोरेंट या कैफ़े का नाम है कार्ट 2 कैफ़े, और यहाँ पे आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो अच्छा फूड। और गोभी मंचूरियन जो है वो बहुत अच्छा है, कढ़ाई पनीर भी बहुत अच्छा है, फ्रेश बना के ला रहे हैं। तो बेंगलोर का वन ऑफ द बेस्ट है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो और ट्राई कर सकते हो। और मुझे तो खाना बहुत अच्छा लगा सच में, फूड बहुत। तो अभी फूड करता हूँ यार। और आप लोग यहाँ कहीं से भी देख रहे हो, अगर बेंगलोर से देख रहे हो तो यहाँ पे आ सकते हो और आप भी इंजॉय कर सकते हो। राइड का भी एक एडवेंचर एक्टिविटी भी हो जाएगी और अच्छा फूड भी मिल जाएगा, वो भी एक जगह पे। इससे अच्छा क्या बात है। और क्या करना है आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। और अगर आपको कोई बंदा बेंगलोर में रहता है तो उसके साथ भी शेयर कर सकते हो कि भाई यहाँ पर घूम के आए, ये बहुत अच्छी जगह है। तो अभी करता हूँ मैं फूड इंजॉय, मिलते हैं फूड के बाद फाइनल रिव्यू के लिए। तो भाई अभी हो गया है हमारे चलने के टाइम, और अगर मैं फ़ूड की बात करूं तो फूड वाज गुड एंड रियली आई लाइक द फूड। और यहाँ पे आप आ सकते हो, सबसे अच्छी बात क्या है, आपको फूड भी मिलेगा और गो कार्ट भी कर सकते हो, गो कार्टिंग भी कर सकते हो। तो अगर आप बेंगलोर में रहते हो तो ये आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस है, तो यहाँ पे आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो और म्यूज़िक भी इन्जॉय कर सकते हो। रात में इसकी लाइटिंग अलग ही लेवल की रहने वाली है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करो, उससे कुछ पैसा वैसा नहीं लगता। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इंजीनियर डायरीज़।